गुड मॉर्निंग जी, और सभी ने सुबह की राम राम। तो अभी लेके आया दूध गाय को, इधर पड़ोस में ही बांध रखा। सुबह सुबह वहाँ से लेके आया कर रहा, और शाम का तो अब बिट्टू जाया करे रोज। आज बोलिया भाई सुबह सुबह मैं ही ले आऊँ, खाली बैठा हाँ, कोई काम दाम है नहीं। आजकल सुबह जल्दी यहाँ खुल जाए यार, पहले उठा करता 5:30 बजे काम न हो तो, जब नहीं तो 4 बजे उठ जाया करा। निनान भी ख़त्म हो गो, फिर भी आज 5 बजे उठ गया तो सचा दूध तो ले आवा। सुबह सुबह लेके आया हाँ दूध, फ्रेश वरेश होके। और यो देखो गांव का नज़ारा। चलो आज के व्लॉग की हो गई स्टार्टिंग। सब वीडियो ने लाइक कर दियो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करे है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लियो भाई। ये देखो हमारा मकान की हालत होगी खराब, चाची जी छोड़ के जा चुके हैं, हमारा चाचा जी ने एकला। चाचा जी बेचारो झाड़ू लगा रहे, केक केक जरूरी है दे मकान बनाना हो रहा है। जणा ही कह रहे उन लोग आए ना सगर आखनी चाहिए, आज तो जेब में रखा है, जेब में ही रखनी चाहिए। सही काट दो चार्ज या ठीने एक पत्तो रे को देखो यार, चुल्ला कन है, चुल्ला कन। हाँ सही है, हाँ चार्ज मार अभी काट के आ जाए, मार अभी तारे भी काट देंगे भाई, अपन ये काम और के लुगाई तो चलेगी और के झाड़ू इसी लगाऊ मैं, लुगाई भी नहीं लगा सकते इतनी साफ एकदम। जना दो पत्ता ठीने रहेगा, वे तो पत्ता ही बात माटी की है ना यार, पत्ता तो और पड़ेगा ऊपर से। तैं कहा को कि मैं झाड़ू इसी लगाऊ, ये तो ऊपर से पड़ रहे हैं और मतलब छोटा तो नहीं, नहीं काटना पड़ेगा। ये देखो बर्तन भी चाचा जी नहीं मांजना पड़ रहे हैं, भगवान इसी दुर्गति कोई में ना करे भाई। बर्तन माज रहा हूँ ना मैं, माटी में बर्तन माज रहा हूँ, और ऐसा साफ बर्तन होएगा, साबण सुबण का तो ही चोचड़ा जुठा मारा तो बटका पहली, कोई राख हूँ कोई माटी हूँ अनु मजा करता भाई, कोई हाथा हूँ, हाथ हूँ तो सही माजा, और के मुँह से माजा कोई कोई हाथा हूँ। मांजो मांजो जल्दी सी, नैन का पानी लगावा ना कुछ और देख, एकदम साफ मिलेगा ये, थोड़ी देर में तुम देखूंगा। आज आप आई माटी हुई ना आऊंगा के साफ बनो तो गोरा हुआ कौन है माटी में जाओ के बेरो। सही बात, ताली बजा दिया मेरे के लिए हुआ। चाचा जी की मेहनत को फल, एक जगह एक बिल पत्थर एक पेट हो गया है, एक साइड में एक लो पेट हो गया है, एक पेठा के ऊपर 3 पत्ता ही, एक के ऊपर 5 पत्ता ही, बिल पत्थर के ऊपर 3 पत्ता ही। नमस्कार जी, आज अचानक से यार 1 बज रही है दोपहर की, और दोपहर में कहीं जा रहा हाँ, अचानक से किसी को फ़ोन आ गो यार कि ऐसा ऐसे शर्मा जी अर्जेंट काम है, ये बात है तो जल्दी से जल्दी आपको पहुंचना पड़ेगा, देख लो मैंने आज तक आपकी हेल्प कर दी, अब बस हो गया पानी सर से ऊपर जला गया बोले, तो देखो जल्दी से जल्दी पहुंचो यहाँ पे। तो अभी चलते हैं, कहाँ पहुंचते हैं, किस टाइम पहुंचते हैं, कैसे पहुंचते हैं सब आपको दिखाएंगे, तब तक हमारे साथ बने रहो वीडियो में, और वीडियो ने लाइक कर दियो, घुमान ले चला अपने भी आ जाओ, सबको घुमा के लाएंगे एक लंबे से टूर पे। चलो
तो यो देखो जी, आप घर से चालने के बाद में पहुंच गए हाँ रेवाड़ी रेलवे स्टेशन। बीच में कोई भी क्लिप ऐड नहीं करी क्योंकि इतनी भयंकर वाली गर्मी थी जिसकी कोई हद नहीं, सांस भी नहीं आयो कसम से। तौलियो बांध रहा को थो, चश्मो लगा रहा को थो, और वो ऐसे को ऐसे ही थो, हटाए भी कोने ठेठ रेवाड़ी आके हटाए है। और रेवाड़ी में मिला ही दो नए कार्टून, एक तो ये कार्टून मिला है, इसने पैर पे मास्क पहन रखा है, मुंह पे नहीं पहन रखा। हाय करो सिवान सबसे। और ये छोटा कार्टून मिला है, बड़ा कार्टून ये है, छोटा ये है, और सबसे बड़ा कार्टून एक कार्टून ये मिला है यहाँ पे। उससे बड़ा कार्टून है तो वो तो होगा ही, सबसे बड़ा कार्टून एक ये कार्टून मिला है। तो इनके साथ में जाते जाते ही हमारी जर्नी स्टार्ट होती है अभी। तो वीडियो ने जो लाइक नहीं करे वो लाइक कर दियो जरूर। तो चलो मिला आ गया अपने दिखावा हाँ। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर बिन बुलाया मेहमान तैयार मिला ही, जोर जबरदस्ती पीर में बैठी है आराम से, जबरदस्ती वाकई आ गई। मैं जबरदस्ती नहीं था, बुलाई थी, बकवास मत करो। जबरदस्ती मेरा नाम पीर मस को याद तो हाँ पीर कोई को नहीं आओ याद तो आ जाए भाई। मैं बोली ठीक है मैं आ रही हूँ, चल लू तो प्यार मिलूंगी बेटे वो ठीक है भाई, आओ मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। ऐसी कोई बात नहीं, तो चलो जो भी है पता है एक चीज की दिक्कत है, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं आप बताए वो सही है कि गलत है। कुछ लोग कहें कि मेरा पैर के अंदर मैं दिखाऊंगा आपने राइट पैर के अंदर तिल को निशान है, तो कई लोग कहें जिसका पैर में निशान हो पग थड़े में उस आदमी ने जिंदगी घूमने में ही निकल जाए डॉक्टर में ही मारू की गुना बता दो। तो बताओ आप कमेंट करके सही सही कि यह सच है कि गलत है। आराम से सुकून से बैठा अचानक फोन आयो तो जाने की तैयारी होगी। तो चलो कठे चलना आप तुम जरूर बताऊंगा और दिखाऊंगा। सुबह बैठा से चल तब से मुँह बंदे हुआ बाकी मुँह खोले है, हालत खराब थी, इतनी भयंकर लू है। आपने जुफा के अंदर इतनी ठंड है बैठे आप यकीन नहीं करोगे भाई, ऐसी फेल सिर्फ हरियाणा में घनी गर्मी है सिर्फ नहीं सिर्फ कूलर लगाओ, गर्मी तो राजस्थान में भी है लेकिन जुफा के अंदर कूलर लगाने से आप यकीन नहीं करोगा बहुत भयंकर ठंड हो जाए। मेरे यार टैंक ने खोल लो ना, मैंने कहा आज पूरे टैंक खोल लो। तो चलो वहाँ चल के मिलाते हैं, इसकी राम कहानी खत्म नहीं हुआ है, चलते हैं कहाँ पहुँचते हैं। काठगोदाम जी, गुड मॉर्निंग और सुबह की राम राम। और मैं पहुंच गया हाँ हमारे गंतव्य स्थान पर। गंतव्य स्थान को नज़ारो इया सी है ते देख लियो, यो देखो नज़ारो। तो इस नज़ारा ने देख के आप जरूर बता दिया कमेंट करके माने कि मैं कठे पहुंचा। वैसे पहुंच गया हाँ और पहुंच के अभी बालक वालक इधर उधर बैठे हैं,
एक बड़ोड़ो बालक, दो छोटा छोटा बालक, मुंह में से उंगली बाहर। और ये देखो मारो आंटी ने जी खतरनाक है, कठे आजू बाजू में लकड़ी कौन छोड़े, सगले जाले की बड़ी कर ले। तो चलो मिला वहाँ आंटी से, और यो नज़ारो है। और इसी बिल्डिंग में जिस रूम में अब आया हाँ, उसमें हम आज से 3 साल पहले रहा करते थे, जब हमारी जॉब हुआ करती थी। तो उस रूम को भी आपने दिखा वहाँ।